क्या आपको पता है आपके घर का 30% ऑफ इंटीरियर बजट गोज इनटू योर सोफा? जी हाँ, आपके घर का 30% इंटीरियर का पैसा आपके सोफा में चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके का सोफा लें आपको पता हो। हाय, माय नेम इज शशांक जैन। आज मैं आपको सोफा खरीदने से पहले की टिप्स बताने वाला हूँ, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर बाइंग अ सोफा। लेट्स गो इनसाइड। ना, बिफोर यू गो डीप इन, If you haven't subscribed to my channel yet, kindly hit the subscribe button. अगर आप और मेरे बहुत सारे videos, tips and tricks miss नहीं करना चाहते हैं तो आज ही subscribe करें। Bell notification जरूर click करिएगा। First tip for today is identify your space. जी हाँ, अपनी space आप measure कर लीजिए। जहाँ पर भी आपको sofa लगाना है, आपके पास कितनी बड़ी जगह है। हो सकता है वो 10 feet by 8 feet हो, हो सकता है वो 5 feet by 10 feet हो। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई और मेजर कर लीजिए केयरफुली बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, या इवन डिसाइड करने से पहले कि किस तरीके का सोफा लेना है, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंड टिप इज, मेजर करने के बाद आपको ये चूज़ करना है आपको सोफ़ा किस तरीके का चाहिए। देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, और यू कैन गेट इट रेडीमेड। इधर यू कैन हैव अ एल शेप सोफ़ा जिसमें थोड़ा एल होता है, और यू कैन हैव अ 3+2 seater सोफ़ा। एक 3 लंबा सीटर होता है एंड एक 2 सीटर होता है छोटा 2 सीट्स के लिए। और यू कैन हैव अ एच शेप सोफ़ा, उसके अंदर 2 पैरल सोफ़ाज होते हैं एंड मे बी 2 चेयर्स या 2 पुफीज भी हो सकते हैं। सो ये सब डिपेंड करता है आपके पास जगह कितनी है। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आपने जगह अभी तक मेजर नहीं करी और आप मार्केट में निकल चुके हैं तो आप घर चले जाइए वापस। सबसे पहले अपने घर की मेजरमेंट चेक कर लीजिए। आई एम श्योर आप जानते होंगे कि आप सोफे पे खाना भी खाते हैं, लाउंज भी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी बैठते हैं और टीवी भी देखते हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सोफ़ा खरीदना। मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं इतनी सारी टिप्स बताने वाला हूँ आज। आप सोफ़ा ख़रीदने से पहले बहुत कुछ जान पाएंगे, और किसी भी दुकान पे, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर से जिससे आप बनवा रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। सो मेरी तीसरी टिप है, आप सोफे पे बैठ के देखिए। आप कहीं से भी सोफ़ा ले रहे हैं, अगर आप बना बनाया सोफ़ा ले रहे हैं, इफ़ यू आर बाइंग इट रेडीमेड, गो टू दैट शोरूम एंड सिट। सोफ़ा चाहे एल शेप हो, चाहे एच शेप हो, चाहे पैरेलल हो, सब पर बैठना बहुत ज़रूरी है। सीट्स के बहुत सारे साइजेज आते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ में सीट्स बन सकती हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए आपको किस तरीके की सीट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सोफ़े की हाइट है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको अपनी हाइट उस हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। अगर आपकी हाइट बड़ी है तो आपके पैर ही ज़मीन पर नहीं सही तरीके से बैठेंगे, आपको हमेशा दिक्कत होगी बैठने के लिए। तो इसमें 2 साइजेस हैं जो मैं बोलता हूँ, 1 is 18 inches, 1 is 20-22 inches। कोई राइट साइज नहीं है हाइट का, बट ये दोनों साइजेस एम्प होते हैं, चलते हैं। तो 14 inches to 22 inches इज एनी वेयर यू कैन टेक। दिस साइज इज इंक्लूडिंग द गद्दी, तो ज़मीन से गद्दी तक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये साइज आपको हाइट का कैलकुलेट करना है। दूसरा, जो गड्डी की डेप्थ होती है, जो सीट है, अगर आपके पास पीछे कुशन है, अगर आप कुशन लगा रहे हैं पीछे, तो आप डीप और सोफ़ा बना सकते हैं। अदरवाइज अगर पीछे कुशन नहीं है, फिक्स कुशन की बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर सोफे की डीप कम भी कर सकते हैं। अगेन ये भी डिपेंड करेगा आपके घर में मेजरमेंट कैसी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। जनरली साइज 30 inches to 36 inches होता है, मतलब 2.5 feet से 3 feet का साइज इज एप्ट फॉर अ गद्दी, उसकी डीप होती है। गद्दी का अपना साइज कम होता है, बट सोफे की ओवरऑल डीप विद द फ्रेम एंड विद द अपोस्ट्री वो उतनी बन जाती है। मेरी चौथी टिप आज की है, अगर आपने चूज कर लिया है सोफा रेडीमेड लेना, तो आप ये सारे पैरामीटर्स पहले तीनों को फॉलो करिएगा, फैब्रिक को देखिएगा और ले लीजिएगा। अगर आप सोफा खुद बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको उसके अंदर का फ्रेम को चेक करना। अगर आपका शॉपकीपर परमिट करे और आपको दिखाए कि आप उसने अंदर फ्रेम क्या यूज़ किया है, तो आप देखिए, वो पूछिए आप उसे किस तरीके की उसने लकड़ी उसके अंदर यूज़ करी है। क्या वो मिरंडी लकड़ी है, क्या वो टीक है, क्या वो पाइन है, या क्या वो चाप है। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। दो, इससे कॉस्ट भी वेरी करती है, बट ये पता होगा तो आपको आसान होगा सोफे को चूज़ करना। अगर आप सोफ़ा खुद बना रहे हैं, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़रूरी है अपने कारपेंटर को या अपने मैन्युफैक्चरर को बोलें कि मेरे को इस तरीके की लकड़ी ही लगानी है। आजकल मैं देखता हूँ लोग पैसा बचाने के चक्कर में सस्ती लकड़ी या कच्ची लकड़ी लगा देते हैं, जिससे आज प्रॉब्लम नहीं आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप देखते हैं आपकी गद्दी नीचे बैठ जाती है, या सोफे की लेग्स टूट जाती हैं, या सोफ़ा बेंड कर जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका फ्रेम उतना कैपेबल नहीं होता है।
और ये लकड़ी है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वियर टियर होगा। अगर अच्छी लकड़ी यूज़ करेंगे तो बढ़िया चलेगा। अगर आपकी लकड़ी प्रॉब्लमेटिक है, कच्ची है, तो डेफिनेटली आपको वो प्रॉब्लम होगी। गाइज, मैं एक और बात बताना भूल गया। हमारे देश में, इंडिया में स्पेसिफिकली, देर आर डिफरेंट रीजन्स और बहुत सारी लकड़ी यूज़ होती है फ्रेम के अंदर। सबसे अच्छी लकड़ी मैं बोलता हूँ मिरंडी है। अगर आपका शॉपकीपर या इंटीरियर डिज़ाइनर या कारपेंटर मिरंडी की लकड़ी अंदर लगा रहा है फ्रेम में, तो दैट इज़ फाइन। मिरंडी के अलावा चाप और पाइन भी यूज़ करी जाती है, पर वो थोड़ी कच्ची होती है, तो मिरंडी इज़ द बेस्ट। टीक कोई नहीं लगाएगा। टीक सिर्फ वहीं लगती है जहाँ पर सिर्फ आउटसाइड वुड विजिबल है, क्योंकि वो महंगी लकड़ी है। अगर आपके पास बजट है तो आप टीक का फ्रेम भी बना सकते हैं। मेरा पांचवा टिप आज का है, आपने फ्रेम चेक कर लिया, आपने साइज़ चेक कर लिया, अब आपने गद्दी चेक करनी है। जितनी ज़रूरत सोफ़े को अंदर से अच्छे होने की है, उतनी ज़रूरत उसकी बाहर से अच्छे होने की भी है। सो जो फोम मटेरियल गद्दी पे बैक में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़ आती हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है। 32 डेंसिटी, 38 डेंसिटी, 40 डेंसिटी एंड 45 डेंसिटी, ये सारे 3-4-5 तरीके की डेंसिटीज़ हैं। उसकी हार्डनेस को प्लस माइनस करता है। तो कई बार आप देखते हैं, आप शॉप पे जाते हैं तो आपकी गद्दी बहुत ज़्यादा प्लंच कर जाती है अंदर, क्योंकि वो सॉफ्ट ज़्यादा है। कई बार वो गद्दी बहुत हार्ड होती है तो उसकी डेंसिटी हार्ड है। तो इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर प्रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूर है, एक ब्रांडेड कंपनी की गद्दी ही यूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट। सो इधर यूज़ स्लीप वेल, इधर यूज़ फेदर फोम और यूज़ लेब्रा मेट्रेसेस। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज काइंड, दे आर गुड ब्रांड्स, दे कैन बी यूज एंड अवेलेबल ऑल अक्रॉस द कंट्री। पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं, लोकल जगह आपको मिल जाएगा। लोकल गद्दियाँ भी यूज़ हो ही जाती हैं, पर वो थोड़ी सस्ती होती हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। मेरी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आज की, फैब्रिक। गाइज, सब कुछ यहीं कहीं रह जाएगा अगर फैब्रिक घटिया है, अगर फैब्रिक ख़राब है, अगर फैब्रिक कैपेबल नहीं है। बहुत सारे तरीके के फैब्रिक आते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया, आप ऊपर देख सकते हैं, हाउ टू चूज़ द राइट सोफ़ा फैब्रिक, आपको ऊपर आ जाएगा, तो आप क्लिक कर लीजिए और आप डायरेक्टली राइट सोफ़ा फैब्रिक को भी चूज़ करने का वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, लेदराइट, वेलवेट, स्वेड, सॉफ्ट लेदर, ऐसे करके बहुत सारे टाइप ऑफ फैब्रिक आते हैं। आपके बजट और आपकी वेदर कंडीशंस के हिसाब से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं बोलूँगा लेदराइट यूज़ कर लीजिए, और अगर आप अपने घर को थोड़ा प्रीमियम बनाना चाहते हैं तो आप वेलवेट या स्वेड यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स एंड टिप्स बताई आज सोफ़ा खरीदने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया पूरा और आप सोफ़ा ख़रीदने जाते हैं, तो आप अपना सोफ़ा ख़रीद के पिक्चर मेरे चैनल पे पोस्ट कर दीजिए, मुझे टैग कर दीजिए, @woodofa डालेंगे तो टैग हो जाएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू फीडबैक एंड गिव यू दैट कमेंट कि आपने सही किया कि नहीं किया। कोई और प्रॉब्लम है, आपको फ्रेम दिखाना है, तो भी आप हमें टैग कर सकते हैं। सो मेरी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड बैक करेगी एंड विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू इट राइट नाउ। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, अपना बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को देखते रहिए। ज़रूर अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, फैमिली को बताएं और मेरे चैनल को दूर दूर तक पहुंचाएं। थैंक यू।